और सहरसा के रेनबो रिजॉर्ट में भारतीय जनता पार्टी द्वारा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत महाजनसंपर्क अभियान के तहत जनसभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, पूर्व मंत्री सह बीजेपी विधायक जीवेश मिश्रा, बीजेपी विधायक आलोक रंजन, विधायक नीरज कुमार बबलू सहित बीजेपी के कई गणमान्य नेताओं द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वहीं कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सैकड़ों की संख्या में बीजेपी नेता और कार्यकर्ता ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने महती जनसभा को संबोधित किया और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में हुकार भरा। इस दौरान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए महागठबंधन की सरकार और लालू नीतीश पर जमकर हमला बोला। नीतीश कुमार जी पूरी तरह खोखले हो चुके हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। लालू जी के पास कुछ वोट हैं, उसी के बल पर वो दिख रहे हैं। कोई महागठबंधन बिहार में दिखने वाला नहीं है। 2024 में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 40 की 40 सीट भाजपा जीतने वाली है। देखिए, उसकी पूरी जांच की टीम बैठाई गई है वो, लेकिन एक स्पष्ट है, बिहार का जो मॉडल है नीतीश कुमार जी का वो दिख रहा है। अगवानी घाट के पुल पे आप चले जाइए, अगवानी घाट का पुल हवा के झरोखे में गिर रहा है। कोई दूसरा मॉडल अब नहीं चल रहा है बिहार में, सिर्फ नीतीश के विकास मॉडल को आप पहचानिए। बिहार को पूरी तरह बर्बाद करने का काम एक नेता ने किया।